हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 है वो टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया था, राइट। और आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट इज चैप्टर नंबर 4? चैप्टर नंबर 4 नेम इज लॉन्ग एंड शॉर्ट। व्हाट इज द नेम? लॉन्ग एंड शॉर्ट। उसमें हमें क्या बोला है? लाली इज सेलिंग थिंग्स एट हर फादर्स शॉप। लाली है वो अपने फादर के शॉप पे कुछ थिंग्स बेच रही है। ए फार्मर कम्स टू बाय रोप। फार्मर है वो रोप खरीदने के लिए वहां पर रहता है। ये फार्मर है और ये है लाली। तो फार्मर क्या बोलता है? कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रोप? क्या तुम मुझे 7 आर्म्स ऑफ रोप दे सकती हो? आर्म्स मतलब कि हाथ। तो उसने क्या बोला कि 7 हाथ हो इतना रोप तुम दे सकती हो। तो ये लाली ने क्या किया? हियर इज योर 7 आर्म्स ऑफ रोप। तो उसने अपने हाथ के हिसाब से मेजरमेंट करके उसे 7 आर्म्स ऑफ रोप दे दिया, राइट। देन ये फार्मर क्या बोलता है? बट दिस इज ओनली 6 आर्म्स लॉन्ग। उसने अपने हाथों से मेजरमेंट किया तो उसका तो 6 आर्म्स ही हुआ। तो लाली क्या बोल रही है? व्हाई डोंट यू मेजर योर आर्म विद दिस रोप एंड टेक 7 टाइम्स ऑफ दैट लेंथ? उसने क्या बोला कि क्यों आप अपने हाथ से मेजरमेंट करके रोप नहीं ले लेते? आप ऐसा करो कि अपने हाथों का मेजरमेंट लेके 7 आर्म्स ऑफ रोप ले लीजिए। So the farmer measures his arm with the rope and Lali gives him 7 times that much rope. यहाँ पर देखो, farmer है वो अपने हाथों का measurement लेके 7 times of arms है उसका measurement लेके वो rope खरीद लेता है। Then measure your arm and your mother's arm. What is the difference? आपको क्या करना है कि आपका आर्म और अपनी मदर का आर्म है वो मेजर करना है। इसमें क्या डिफरेंस है वो फाइंड करना है। तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको पता है? मदर्स आर्म इज बिगर देन दैट ऑफ माइन। मतलब कि आपके मदर का आर्म है वो बड़ा होगा आपके हाथों से, राइट। देन नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी, मतलब कि कितने। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उसके हिसाब से। इन हाउ मैनी स्टेप्स विल दामजी क्रॉस द रोड। यहाँ पर ये एक रोड है और ये एक लड़का है। हमें क्या पूछा है कि कितने स्टेप में वो रोड है वो क्रॉस कर लेगा, राइट। तो आंसर क्या मिलेगा हमें? 5 स्टेप्स, क्योंकि वो आगे 5 स्टेप्स चलेगा तो वो रोड को क्रॉस कर लेगा, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन ए लाइन ऑन दिस टेबल। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है और यहाँ पर कप्स रखे हैं। तो ऐसे हम लाइन में कितने कप्स रख सकते हैं? तो हमें आंसर मिलेगा 10 कप्स। देन नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी पॉट्स कैन बी प्लेस्ड टू रीच द ट्री ब्रांच। ट्री ब्रांच तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ पर जो पॉट्स दिए गए हैं वो हम यहाँ पर कितने रख सकते हैं? तो आंसर आएगा 5 पॉट्स। देन नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी हंग ऑन दिस वायर। ये वायर पे हम ऐसे कितने शर्ट्स है वो यहाँ पर लटका सकते हैं? तो आंसर आएगा 4 शर्ट्स। देन हमें यहाँ पर क्या बोला है? हाउ मच इज ए सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब कितना, राइट। तो मैं यहाँ पर ये एक लिजार्ड ड्रॉ करके दी है और यहाँ पर ये एक मैच स्टिक दी गई है, राइट। और यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में मेजरमेंट दिया गया है। तो हमें क्या करना है कि लिजार्ड का मेजरमेंट करना है। तो यहाँ से ये डॉट 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 ड्रॉ किया है, राइट। तो यहाँ पर हम 0 से नंबर्स लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका मेजरमेंट कितना है, राइट। यहाँ पर हम 0 से 13 तक लिखेंगे तो लिजार्ड है वो कितनी लॉन्ग है? 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट। देन मैच स्टिक, उसका मेजरमेंट कितना होगा? यहाँ पर हमने 1 से स्टार्ट किया है, 1 से 2 मतलब कि 1, 2 से 3 मतलब कि 1, 3 से 4 1 एंड 4 से 5।
तो मैचस्टिक का मेजरमेंट कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, राइट? ऐसे ही आप कोई भी चीज का मेजरमेंट कर सकते हो स्केल के हिसाब से। देन यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या क्या दिया गया है, देखो ये एक तो डाई है जिससे हम लूडो खेलते हैं, देन यहाँ पर एक लीफ दिया गया है और यहाँ पर क्रेयन कलर दिया गया है, राइट? तो ये डाई है उसका मेजरमेंट कितना होगा? 1 सेंटीमीटर, राइट? देन लीफ, लीफ का मेजरमेंट कितना होगा? यहाँ से 1, 2, 3 एंड 4, लीफ का मेजरमेंट होगा 4 सेंटीमीटर। एंड क्रेयन कलर, उसका मेजरमेंट कितना होगा? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हम 0 से 7 तक काउंट करेंगे तो 7 सेंटीमीटर होगा, राइट? तो यहाँ पर क्या बोला है, द मैच स्टिक इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो हमने ऊपर देखा। देन द डाई इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड, डाई है वो हर एक साइड से 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है। देन द लिजर्ड इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो हमने ऊपर देखा, राइट? देन द लीफ इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, लीफ है उसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। देन द वैक्स कलर इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वैक्स कलर है उसका मेजरमेंट कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। देन Now look at a scale that you find in a geometry box. आपके geometry box में जो scale है उसके हिसाब से आपको देखना है। How many centimeters does it have? Scale के पास कितने centimeters होते हैं? 15 centimeters, right? आप कोई भी scale ले लो, उसमें 15 centimeter का measurement दिया गया होगा। यहाँ पर हमें बोला है द स्मॉल स्केल दैट यू मोस्टली यूज इन स्कूल इज लाइक दिस वन। यहाँ पर हमें एक स्केल दी गई है, राइट? और यहाँ पर हमें कुछ चीजें दी गई है कि जिसका मेजरमेंट हम स्केल के हिसाब से ऐसे करते हैं, राइट? इसका मेजरमेंट कितना है? 1 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट वन इज 2 सेंटीमीटर, नेक्स्ट इज 3 सेंटीमीटर एंड लास्ट वन इज 4 सेंटीमीटर, राइट? ऐसे ही हम कोई भी चीज है उसकी लेंथ है वो स्केल के हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। Then, is it easier to start measuring from the zero mark? Look at the things drawn near the scale and find out their length. Right? हमें क्या बोला है कि जीरो मार्क से हम मेजर करेंगे तो वो इजी होगा? Yes, वो तो इजी ही होगा। हमें जो थिंग्स दी गई है उसको हमने ऊपर देखा, राइट? और उसका मेजरमेंट भी हमने देखा कि वो कितनी लेंथ है उसकी। देन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। व्हाट आर द लिटिल लाइंस ऑन द स्केल यूज्ड फॉर? लिटिल लाइंस दी गई है वो हमें किसके लिए काम आती है? द लिटिल लाइंस ऑन द स्केल आर यूज्ड टू मेजर शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स। जो शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसका मेजरमेंट हमें करना हो तो हमें लिटिल लाइंस है वो यूज होती है। देन लुक फॉर थिंग्स दैट आर, हमें कुछ ऐसी चीजें देखनी है कि अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, ऐसी कौन कौन सी चीजें होती है? टॉप, राइट? टॉप होता है उसकी लेंथ होती है अबाउट 10 सेंटीमीटर। देन बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 एंड 20 सेंटीमीटर के बीच में कौन कौन सी चीजें आती है? तो उसमें आएगा स्पून एंड बोटल। देन लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 सेंटीमीटर से भी लेस चीज की लेंथ होती है तो उसका क्या आएगा आंसर? एंट एंड नेल। देन ये क्या बोल रहा है? माउस, वेयर आर यू? माउस, तुम कहाँ पर हो? आई एम हियर। देखो यहाँ पर से माउस बोल रहा है मैं तो यहाँ पर हूँ, तो मतलब कि इन दोनों की लेंस में कितना डिफरेंस है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, राइट? क्योंकि माउस है वो इतना छोटा सा है और जिराफ है वो लंबा है। यहाँ पर हमें क्या बोला है? ड्रॉ सम ऑफ देम हियर। यहाँ पर आपको कुछ चीजें ड्रॉ करनी है कि जो यहाँ पर हमने लिखी है, अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर एंड लेस देन 1 सेंटीमीटर, राइट? आप जो भी चाहो उसमें से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। देन नेक्स्ट पेज पर हमें क्या बोला है?
हाउ बिग इज माई हैंड, मेरा हैंड है वो कितना बड़ा है। मेजर द लेंथ ऑफ योर थंब एंड योर लिटल फिंगर, यूज द स्केल ऑन दिस पेज। यहाँ पर देखो एक गर्ल है, वो अपना हैंड है वो यहाँ पर जो ड्राइंग शीट है उसके रखा है और यहाँ पर ड्रॉ किया है। फिर क्या करना है, आपके थंब और लिटल फिंगर को मेजर करना है, किससे, स्केल से। विच इज लॉन्गर, थंब और लिटल फिंगर, इन दोनों में से कौन है वो लॉन्गर है, थंब या तो लिटल फिंगर। तो आंसर क्या आएगा, थंब इज लॉन्गर देन लिटल फिंगर, थंब है वो लिटल फिंगर से लॉन्गर है। देन ब्रिंग ए मेजरिंग टेप टू योर क्लास, आप लोगों के क्लास के लिए एक मेजरिंग टेप लेकर आओ। देन गेज द लेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड चेक इफ योर वेस्ट इज करेक्ट। फिर क्या करना है कि आपको अपने बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से उसको मेजर करना है और फिर उससे चेक करना है कि ये सही है या गलत है। देन यू कैन यूज ए स्केल, स्ट्रिंग, मेजरिंग टेप इटीसी, उसके लिए आप कौन कौन सी चीजें का इस्तेमाल कर सकते हो, स्केल, स्ट्रिंग या तो मेजरिंग टेप, इनमें से कोई भी चीज का यूज कर सकते हो। लुक हियर, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो अपने बॉडी पार्ट्स को मेजर कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर ये कर रहे, देखो बॉडी पार्ट्स को चेक आपके जैसे ही। देन नेक्स्ट वन क्या बोला है, थिंक हाउ विल यू नो द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इफ यू मेजर विथ ए रोप, शू स्ट्रिंग, थ्रेड इटीसी। आप लोग नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स कैसे जानोगे कि आप रोप, शू स्ट्रिंग या तो थ्रेड से मेजर करोगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स कैन बी नोन ऑन कंपेयरिंग द पोर्शन ऑफ अ रोप, शू स्ट्रिंग, थ्रेड इटीसी यूज्ड फॉर मेजरिंग विद द स्केल। कि हमने जो रोप, शू स्ट्रिंग या थ्रेड से मेजर किया होगा उसे हम स्केल से मेजर कर लेंगे तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कितने सेंटीमीटर्स हुआ है मेजर, राइट। देन यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है, यहाँ पर हमें कुछ चीजें बोली है, यहाँ पर माई मेजरमेंट मतलब कि आप लोगों का अपना, एंड यहाँ पर माई फ्रेंड्स मेजरमेंट मतलब कि आपके फ्रेंड्स का। नोज दिया गया है, राइट, उसका माई मेजरमेंट कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, और आपके फ्रेंड्स का 3 सेंटीमीटर। देन अराउंड द रिस्ट, उसका मैंने लिखा है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, आपको अपने हिसाब से लिखना है, और आपके फ्रेंड का 11 सेंटीमीटर। देन अराउंड द हेड, वो यहाँ पर आया है 36 सेंटीमीटर, एंड अपने फ्रेंड्स का 35 सेंटीमीटर्स। देन ईयर, ईयर का आप लोगों का अबाउट 5 सेंटीमीटर्स होगा, एंड आपके फ्रेंड्स का भी 5 सेंटीमीटर्स। देन हैंड, टिप ऑफ मिडल फिंगर टू रिस्ट, उसका आया होगा 12 सेंटीमीटर्स और आपके फ्रेंड का 11। ये तो मैंने आप लोगों को ऐसे ही सिखाने के लिए लिखा है, आप लोग अपने हिसाब से मेजर करके यहाँ पर लिख सकते हो। देन कंपेयर योर मेजरमेंट विथ योर फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो मेजरमेंट किया है उसे आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करना है। हु हैज द बिगेस्ट हेड एंड हु हैज द स्मॉलेस्ट हेड, तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही नेम्स लिख दिए, आप लोगों को अपने फ्रेंड्स के नेम यहाँ पर लिखने हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है अंशुल एंड धीरज। देन हु हैज द लॉन्गेस्ट हैंड फ्रॉम मिडल फिंगर टू रिस्ट, तो मैंने यहाँ पर लिखा है अमीना। देन विच इज लॉन्गर, योर ईयर और योर नोज, कौन लॉन्गर है, आपका ईयर या तो नोज, तो आंसर आएगा ईयर। देन इज एनी ऑफ योर नेल्स मोर देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, आपके नेल्स में से क्या कोई ऐसा नेल है जो 1 सेंटीमीटर से लॉन्ग हो, यस। देन नेक्स्ट पेज पर हमें क्या दिया गया है, गिबली एंड द ग्रेन्स, एंट गिबली हैज टू रीच द ग्रेन्स, एंट गिबली है उसे ग्रेन्स के पास पहुंचना है। शी इज लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड, वो क्या देख रहे कि कौन सा रोड है वो शॉर्टेस्ट है। कैन यू टेल हर विच इज द शॉर्टेस्ट, क्या आप लोग बता सकते हो कि कौन सा रोड है वो शॉर्टेस्ट है।
तो आंसर आएगा रोड बी इज द शॉर्टेस्ट रोड। वो हम यहाँ पर फिगर देखते हैं कि कौन सा रोड है वो शॉर्टेस्ट है। लुक हियर, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर फोर रोड्स दिए गए हैं, रोड ए, रोड बी, रोड सी एंड रोड डी, राइट। तो इन चारों में से हम मेजर करेंगे, तो इन सबके मेजरमेंट में से सबसे शॉर्टेस्ट मेजरमेंट है रोड बी का, राइट। तो इसीलिए हमने आंसर क्या लिखा, रोड बी इज द शॉर्टेस्ट रोड, क्योंकि इसका मेजरमेंट है वो सबसे शॉर्टेस्ट है। ये मेजरमेंट आपको अपनी स्केल के हिसाब से करना है और देखना भी है। देन क्या बोला है, कैन यू ड्रो ए रोड शॉर्टर देन दिस, क्या आप लोग इससे भी शॉर्टर रोड ड्रो कर सकते हो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट रोड, वो रोड की लेंथ क्या होगी। तो आंसर क्या लिखेंगे, यस, ए रोड शॉर्टर टू द गिवन रोड कैन बी ड्रोन एंड इट्स लेंथ विल बी 11.5 सेंटीमीटर। यस, हमें जो दिया गया है रोड उससे भी शॉर्टर रोड हम ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी लेंथ क्या होगी, 11.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आप लोगों को टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना है और चैप्टर नंबर 3 के वर्कबुक के जो मैं फोटोज भेज रही हूँ वो आपको वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना है।